You're listening to CNN Toronto, Chawla News Network Toronto. तो 10:30 बज चुके ने जी एंड बहुत धन्यवाद तुसी ऑन दी एयर तो नहीं पर ऑफ दी एयर जो तुसी सानू हौसला दिंदे हो जी बहुत चंगा लगता है जी ते बहुत बहुत धन्यवाद कि तुसी इस ड्रिंक नू पसंद कर रहे हो जी एंड सानू बड़ी मान है कि साक्षी प्रमोशन तो पहलों इस ड्रिंक की प्रमोशन तो पहलों मैं ऑलरेडी कई लोगों को इस बार दस चुकिया सी ते वाकई उन्होंने दे कोलों जो आप अपडेट सुनते हैं तो बहुत वधिया लगता सानू एंड बहुत चंगा लगता कि वाकई ही लोग अमल कर रहे हैं उस गल नूं लैके एंड उन्होंने जीवनी दे विच जो सुधार आया है जो उन्होंने जीवनी दे विच मोटापन हुण हौली हौली नज़र आ रहा जी पतले हो रहे ने नैचुरल वे दे नाल उन्होंने ब्लड प्रैशर कोलैसट्रॉल बहुत ही जिथे पहले बहुत हाई होंदा सी तो हुण हौली 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 नॉर्मल होंदा जा रहा कई तो अपने डॉक्टर्स तो कह लो कि हैरान ने कि तुसी लैंदे की हो कि तुहाडा कोलैसट्रॉल इन्ना सही है ब्लड प्रैशर इन्ना सही है तुहाडे मूँह दे विच ग्लो आ रहा जो भी लै रहे हो लैंदे रहो बिकॉज असर कर रहा सो ये एक FDA डॉक्टर्स वालों अप्रूव्ड ड्रिंक है तुसी किसी नूं ईवन लिंक गिफ्ट भी करना चाहते हो कि भा तेरा कोलेस्ट्रॉल हाई है तू ये आ ड्रिंक पी के देख तेरा ब्लड प्रैशर हाई है आ ड्रिंक पी के देख मोटापन ब्लोटिंग एसिड क्रेविंग तो चाह की अपन लत्त नहीं लगी रही कि चाह पीना पीए 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 वह भी लत्त भी मिट जाती है सो ये ड्रिंक जी है एक पुन वाला ड्रिंक है कह लो मैं तो कहना कि असी ना जी पेड प्रमोशन कर रहे हैं एक वाकया पुन वाला काम है तुम अगर इसनों लोगे तो किते ना किते दुआ सानू याद रखोगे यार एक ड्रिंक आश ने कही सी ओ ड्रिंक पीन दे नाल बई मेरा ब्लड प्रैशर शुगर डायबीटीज़ कोलेस्ट्रॉल थायरॉयड जिहड़े यू नो कई बारी की हुंदा कि कुछ अजिहे अंदर रोग हुंदे ने जो वह भी ये जड़ी बूटी क्योर कर दिंदी है जी सो बहुत सारे प्रोज ने जी इस ड्रिंक दे विच तुसी ऑनलाइन जो तुसी मैनू भेजोगे 416 303 15 15 ते हैलो भेज दिओ मैं तुहानू लिंक भेज देवांगा 416 303 15 15 से लिंक भेजन दे नाल तुसी ऑनलाइन ही खरीद सकदे हो ते थल्ले जाके ना हू वट वैन वाई हाउ सारे क्वेश्चन ने जी तो जिहड़े साडे बजुर्ग ने जिन्होंने मदद चाहिए इस ड्रिंक दे नाल अपने बच्चों को कह के ऑनलाइन तुसी खरीद सकदे हो या जो बहुत ही कोई जे नहीं हैगा नाल कोई तो कोई गल नहीं असी तुहाडी मदद कर देवांगे वाया ऑनलाइन थ्रू सो 416 303 15 15 ये मैं बार बार दसदा कि दो डब्बे आउंदे ने एक 30 पैक एक 60 पैक दोनों आउंदे ने 30 पैक हैगा डेली तुसी सवेरे पीना आ 60 पैक उन्हां वास्ते आ जिहड़े 2 टाइम लंच अते डिनर इकट्ठे करदे ने कई बारी की हुंदा कि कई जाने सिर्फ डिनर करदे ने ते ब्रेकफास्ट करदे ने कई जाने सिर्फ ब्रेकफास्ट करदे ने ते लंच करदे ने सो ओह तां 60 पैकेज आ सो तुहाडे नाल जिहड़ी मेन ड्रिंक है वह तुसी सवेरे पीनी है उस तो बाद जिन्ना मर्जी खाओ जिन्ना मर्जी पियो नो प्रॉब्लम पर खाण तो पहला वह ड्रिंक जरूर लैनी है जी उस डब्बे दे विच एक बोतल आउंदी है ते सारा समग्री आउंदा एंड लिखिया हुंदा कि हाउ टू टेक द ड्रिंक सो 416 303 15 15 416 303 15 15 अपने डॉक्टर दे नाल जरूर सलाह मशवरा कर लेना ब्लड टैस्ट करके फिर तुसी दोबारा जो ड्रिंक पीन तो बाद ब्लड टैस्ट कराओगे तुसी देखोगे कि वाकई यार काम सही हो रहा 416 303 15 15 ते मैनू टैक्स कर दिओ मैं तुहानू लिंक भेज देवांगा भट्टी साहब दी गलबात नू स्पॉन्सर करन जा रहे ने प्लैनेट फाइनैंशियल तो वीर गौरव कुमार जी तुसी सूई तो लैके हवाई जहाज तक लोन लेना चाहुंदे हो ट्रक लोन ट्रेलर लोन ऑफिस लोन कोई भी तरह की मशीनरी लोन तो प्लैनेट फाइनैंशियल तो वीर गौरव कुमार 6474097501 ऑलसो गलबात मठारू वैल्डिंग सर्विस तो वीर सनी ते सुखविंदर मठारू जी वालों स्पॉन्सर किया जा रहा फ्रंट बंपर डीयर बंपर डीजल टैंक लॉक लगाना चाहते हो तो तुम मठारू वैल्डिंग सर्विस तो वीर सनी ते सुखविंदर मठारू जी को कॉल कर सकते हो 6474606355 मूनलाइट ग्रोसर्स दे शेयर देसी स्टाइल आटा $15 दे विच लै सकदे हो 65 ब्रेडन बोलेवार्ड यूनिट नंबर 3 7180 एयरपोर्ट रोड मॉल्टन 9059132220 7 स्टार किचन कैबिनेट तो दविंदर पनेसर साहब अशोक जुलूस तो वीर राजू जी काव्या होम्यो केयर तो मीता ओजा जी वालों अज का प्रोग्राम स्पॉन्सर किया जाता है ऑथराइटिस स्किन इशू थायराइड कॉफ एंड कोल्ड अस्थमा बैक एक वाल चढ़ रहे हैं होम्योपैथी के थ्रू इस नू इलाज नू क्योर करते हैं मीता ओजा जी 6477602779 ऑलसो नव बराड़ जी वालों भट्टी साहब की गलबात नूं स्पॉन्सर किया जा रहा जी। तुसीं फ्लोरिंग का कोई भी समान लेना होवे, हार्डवुड, लैमिनेट, पोर्शलिन टाइल्स, सिरेमिक टाइल्स, एरिया वैनिटीज, नेपोलियन फायरप्लेस, जिम फ्लोरिंग, कस्टम एरिया रग लेना चाहते हो ता GTA फ्लोरिंग कैनेडा 4190 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट इन वुडब्रिज, 46 पाइनलैंड एवेन्यू इन स्टोनी क्रीक, 9056056605। आल्सो P&G लैंडस्केपिंग तो गुरमेल जी कहते हैं कि घर का इंटीरियर तो कर लेंदे हो सही, बट एक्सटीरियर नूं भुल जाते हो। तो लैंडस्केपिंग कह लो कि स्टैंपिंग, एक्सपोज स्टैंपिंग, इंटरलॉकिंग करवाना चाहते हो तो P&G लैंडस्केपिंग के गुरमेल जी नूं कॉल कर लियो 4162750176 4162750176 से गलबात कर सकते। भट्टी साहब की गलबात नूं आल्सो स्पॉन्सर्ड बाय पंजाब ग्रोसर्स तो अलावा कटारिया टूर एंड ट्रैवल, रवि गुलाटी लॉ ऑफिस, रविंदरपाल सिंह गुलाटी, लाली स्वीट्स रेस्टोरेंट तो लाली जी वालों अज दा प्रोग्राम स्पॉन्सर किया जा रहा है। दास वालों भी प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड है भाई जी, दास वालों भी स्पॉन्सर्ड है। तुसी घर खरीदना बेचना लिस्ट करना चाहते हो, ग्रेट पंजाब बिजनेस सेंटर दे विच साडे कोल 3000 स्क्वायर फीट का एक शानदार ऑफिस है। टॉप टू बॉटम तुम अगर उस दे विच खरीदना चाहते हो, लीज से नहीं खरीदना चाहते हो तो मेरे नाल संपर्क पैदा कर सकते हो 416-303-15-15 416-303-15-15 से। साढ़े को कुछ एक प्रॉपर्टीज आई ने, तुहाडे को जे कोई साइट प्लान अप्रूव्ड साइट है तुसी घर बना सकते हो 5, 6, 20, 30, 40, 50 तो प्लीज़ गिव मी अ कॉल 416-303-15-15 416-303-15-15 से गलबात की जा सकती है। हुण होवेगी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मुद्दों ते गलबात अमृतसर तो सरदार जसवीर सिंह भट्टी हुणा दे नाल, सरदार जसवीर सिंह भट्टी हुणा दे नाल। भट्टी साहब दी गलबात बस एक सैकेंड दे विच विच भाऊ जी आ रहे ने ते तुसी भी अपने सवालों के जवाब कर लो रेडी। ते तुसी भी जी कोई भी गलबात भट्टी साहब नूं पूछना चाहते हो तो 400 905 813 1320 905 813 1320 ते गलबात की जा सकती है। तो हुण तो लैके तकरीबन समाप्ति तक भट्टी साहब साडे नाल हाजिर होणगे। एंड अगैन 905 813 1320 905 813 1320। तो ड्रिंक के बारे साढ़े तो पूछ रहे हो जी, मैं तुहाडे कोल मैसेज साढ़े आ चुके ने, मैं तुहानूं लिंक भेज देवांगा। ये इंडिया बह के भी तुसी खरीद सकते हो, इंडिया भी इन्हां दा बहुत वड्डा वेयर हाउस है। ये बहुत multi-million dollar कंपनी है जो थां थां ते तुसी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंडिया, दिल्ली, मुंबई, ये सारे पासे ही तुसी खरीद सकते हो। ये नहीं कि तुहानूं इत्थों शिप करना पवेगा कि तुहानूं किसी हत्थी भेजना पवेगा, नहीं, इंडिया भी तुसी अपना एड्रैस भरोगे तुहाडे घर दे विच ओह डिलीवर किया जाएगा। सो 416-303-15-15 ते ये ड्रिंक नूं तुसी जरूर पीओ ते फिर दस्सिओ तुहानूं किस तरह फर्क पैंदा कि नहीं। चलो जी भट्टी साहब बहुत बहुत स्वागत है तुहाडे अपने शो दे विच। सत श्री अकाल। शुक्रिया जी, मेरे वालों भी आप जी ते सारे श्रोतिया ते दर्शकों नूं सत श्री अकाल जी। की हाल चाल, ठीक ठाक हो? बड़ी कृपा, तुसीं सुणाओ जी? बहुत वधिया। मौसम दा पहलो हाल चाल पुछिए, पंजाब दे विच मौसम दा की हाल चाल? मौसम वधिया जी, धुप्पे बहुत धुप लगदी है, छावें बहुत ठंड लगदी है। अच्छा, ये ओ मौसम है, मौसम बहुत वधिया। जे जैकेट वड्डी पा लो तो गर्मी लगती है, जे छोटी पा लो तो फिर सर्दी लगती है, इधर का मौसम है बस। लेकिन उम्मीद है आपकी आने वाले दिनों जे इसे तरह धुप लगती रही तो अगले दिन तो अगले हफ्ते तक फिर 1 नंबर से पखे जरूर चल पैणगे। चलो जी, ऑलराइट। 905 813 1320। पहली खबर भाई अमृतपाल सिंह दे कह लो कि सैल दे विचों स्मार्टफोन ते होर समान मिलन नूं लैके जेल सुपरिंटेंडेंट निपिन दास नूं कीता गया गिरफ्तार। तो उधरों जथेदार अकाल तख्त ने भुख हड़ताल खत्म करन दी क्या उन्होंने मांग की हुई है जी। सो पहली गल तो आपां पहले पोर्शन की गलबात करिए, की होया, की वापरिया, कित्थे तक पहुंची कहानी। पहले पोर्शन जी आपां इसे मंच तो ये गल कीती सी कि जे किते उन्हां दे थैले दे विचों स्मार्टफोन, कोई पेन ड्राइव, कोई स्पीकर, कोई ईयरफोन कुछ फड़े गए ने ते फिर ये दस्सिया जावे वो अंदर गए किदां। हुण उत्थे जिहड़े सुबटे ने निपन दास उन्हां दे खिलाफ मुकदमा दर्ज करके ते उन्हां नूं गिरफ्तार कर लिया गया वा। कारण की इन्हां दी ढिल कारण यह घटना वापरी है। अजे तक यह नहीं दस्सिया उन्हां भी ये अंदर पहुंचाए किने ने, पहुंचे किवें ने। पॉसिबिलिटी है भी जिहड़ी गलती हुई है उहदे उत्ते पर्दा पाउण दी कोशिश कीती जा रही है। ते क्यों भाई अमृतपाल सिंह ने भी यह कहा सी भी सानू यह दस्सिया जावे कौन दे के गया, सानू कित्थों फड़े गए, तुसीं किवें फड़े गए, वो प्रपंच कदों रचिया गया। वो प्रपंच उस वे रचा गया जदों उन्होंने बैरक के लैटरन के बाथरूम के माइक्रो कैमरे लगा दिते गए। माइक्रो सीसीटीवी कैमरे जो तुसी लगा दिते गए तो फिर वो जो जानकारी मिली तो उन्होंने वो कनैक्शन से लाते, फिर डीएम नू शिकायत कर दी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शिकायत करती भी दसो ये क्यों लाए गए ने। उसकी जांच हुई, वो सही पाया गया भी माइक्रो कैमरे लाए गए। मुड़के अगले दिन बकायदा तौर पर उन्होंने एक केस दर्ज किया जाता, भाई अमृतपाल सिंह साथियों के खिलाफ भी कहा जाता वा इन्हों की बैरक के विचों आ फोन आ कुछ फड़िया गया। उस दिन की चर्चा चल रही थी भी ये फोन तो बाकी समान अंदर किवें गया, किने पहुंचाया, कित्थों लिया, कित्थों नहीं, सारा दसो तो कित्थों गया। हुण लगता भी उसते पर्दापोशी करनी उन्होंने सिर्फ जिहड़ा सुपरटेंडेंट है उन्हूं इस करके फड़िया वा, इस करके गिरफ्तार किया भी उहदी ढिल कारण यह गल हुई है। पर अजे तक यह गल सामने नहीं आई कि वह जिहड़ा समान अंदर किवें गया, गया कि नहीं गया, क्योंकि देखो जदों ना शिकायत डीएम नूं कीती फिर पुलिस उत्थों दे अधिकारियां ने कोई कार्रवाई तो करनी सी ना। बिल्कुल हो सकदा कि यह ड्रामा किया गया होवे। हुण ड्रामे ते किसी तरीके दा पर्दा ते पाउणा चाहीदा भी किसी ने किसी गिरफ्तारी करनी। इस करके मैं सोचता भी ये दूसरी चीज ये कि भाई अमृतपाल सिंह नूं 19 तारीख को बकायदा तौर पर 1 साल पूरा हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। NSA दे विच 1 साल तो बाद वैसे तो जी एक कमेटी बनती है वो 3 महीने बाद भी विचार कर सकती है, लेकिन 1 साल के बाद जी अदालत इन्हां दे केस की सुनवाई कर सकती है। हुण 1 साल बाद वो सुनवाई जो होंदी है तो हाई कोर्ट इन्हों बेल भी दे सकती है, तो इन्हों जेल दे विचों पंजाब दे विच शिफ्ट कर सकती है। हुण इन्हों ने उन्होंने वधाउण वास्ते हो सकता वा इन्हों के खिलाफ एक कार्रवाई की हो भी असी फिर की वेखो जी ये तो इहो जे काम करते ये बाहर जाने के लायक नहीं, इन्हों ते NSA 1 साल वास्ते होर वधा दित्ती जाए। NSA 3 साल तक वधाई जा सकती है बिना किसी केस लाए तो। एडा भैड़ा कानून आए, इस करके लगती भी ये आम तौर पर मुसलमानों से या सिखा से लगती, बाकी होर किसी नहीं लगती। NSA विखा दो कहीं किसी नूं तो लगी। जेड़े बंदे ने 40 कतल किए होण, झटकई किशोरी लाल ने बकायदा तौर पर दिल्ली जो सिखा दे कि उत्ते NSA लाई सी नहीं, उन्होंने कुछ समय बाद जी बीबी शीला दीक्षित कहती जे करैक्टर बड़ा वधिया छड्डण लगे, असीं छड्डण लगे फिर रौला पिया सिख सड़कों से आ गए तो फिर उसकी दिहाई रिहाई रुकी सी, हुण पता नहीं छड्डता कि नहीं छड्डता। इस करके ये जिहड़े कानून आ ये माइनॉरिटी वास्ते बनाए जाते भी माइनॉरिटी नूं किवें असीं किसी तरीके नाल दबाउणा वा तो उन्होंने दबाउण वास्ते कीते जांदे आ, लेकिन उहदा गुनाह एडा वड्डा नहीं सीगा। वड्डे गुनाह तो मणीपुर च भी होए ने, वड्डे गुनाह तो झारखंड च भी होए आ, वड्डे गुनाह तो हरियाणे च भी होए आ, किसी ते NSA नहीं लगी क्योंकि वह बहुत गिनती नाल संबंधित सन, एक घट गिनती संबंधित सी। जी नेक्स्ट कॉल आती है 905-813-1320। सच कॉलर। हाँ जी पटी साहब तो बहुत जानकारी मिलती है। किशोरी लाल नू शीला दीक्षित ने कहा सी कि बहुत चंगा बंदा इनू छड़ दो, मैनू याद है। और ये गल जो है चावला साहब ने दसी सी। और मेरा सवाल है भी जो प्रताप सिंह कैरो सी ना 1956 तो 1964 मुख्यमंत्री है, जी पोस्ट सी ना वो इसने बंद किया सी, तुसी कल कह के गए ना जैल सिंह ने बंद किया। जैल सिंह 1972 च सीगा लेकिन जैल सिंह ने नहीं सी किया। 1965 विच सरदार प्रताप सिंह कैरों दा कतल हो जाता है और पोस्ट जो है इन्हों ने बंद किया। थोड़ा जहा तुसी मेरे ख्याल चो कल भुल गए है। सच नहीं 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 मैं थोड़ा सहमत नहीं जी, मैं आप खरीदा रहा दे 1970 के दाके दुकाना तो आम पोस्ट मिल जाते, आम पोस्ट ये पोस्ट मैं आपसे मिल रहा होना, लेकिन कानूनी तौर ते उसने बंद किया। कल पूछ के आया जे कल भी फिर वही गल मैं समझता नहीं। जो जनरली दुकान तो मैं पनियारी दुकान तो खरीदिया पोस्ट ओहदा मतलब अंदर खाते विच रहा हो, बिल्कुल गलत सी नहीं जी, अंदर खाते विच रहा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। कोई गल नहीं जी, 905813 1320 905 8131 320। आओ फिर अगाह तोर दे जी, कॉलर्स में बेनती है कि प्लीज़ एक सवाल पूछा करो तो उस ते रिहा करो जी, टाइम साडा बहुत कीमती हुंदा है इस वेले। भट्टी साहब दा, भट्टी साहब पंजाब विधान सभा विच जदों स्पीकर कुलतार सिंह संधवा रोप है रुमाल नाल अथरू पुजदे नजर आए, क्यों? सरदार कुलतार सिंह संधवा अमृतधारी सिंह ने ते ज्ञानी जैल सिंह जिहड़े साबका राष्ट्रपति सी उन्हां दे भरा जगीर सिंह दे पुत्तर ते कुलतार सिंह संधवा यह चाहते सी कि मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनना, खेतीबाड़ी मिनिस्टर बनना, क्योंकि कोटकपूरे दे विच जिहड़ी इन्हां दी अपनी दुकान ते फैक्टरी है ना जी, वो किसानी संदां दी। जे वो किसानी संदां दी है तो फिर किसानां नाल नेड़ला संबंध भी उन्हां दा है, किसानी भी करते, लेकिन उन्होंने स्पीकर का वादा देता, लेकिन वो अपने सीने दे विच किसानां दा दर्द जरूर समाई बैठे जी। होया जदों ये बकायदा तौर पर एक हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किए भी अपने बच्चों को अगे करके मरवा रहे किसान, क्यों कर रहे हो तुसीं यार, बच्चों को कर रहे हो? ते किसानां ते जिस तरीके नाल हरियाणा पुलिस ने दरिंदगी की है, गोली चलाई आ, वो गोली पोस्टमार्टम च आ गई है सुभकरण के केस दे विच। जे पोस्टमार्टम च आ गई है तो जदों किसानां दा मुद्दा उत्थे उठ्या तो दर्द झलकिया अंदरों फिर कि किसानां ते ज्यादती क्यों हो रही है। कहंदे यार आंदाता कहंदे तुसीं एक पासे, ये उही किसान आ जिन्हें ग्रीन रेवोल्यूशन लियाउण दी गल करके ते अपनी धरती नूं बंजर बनाउण वधिया ते उन्होंने प्रदेश के अनाज भंडार भंदे ते अज तुसीं उन्हां नूं डांगा मार रहे हो, गोलियां मार रहे हो, उन्होंने अधिकार नहीं अपनी राज नहीं चले जाण। इस करके दल सड़िया ते उन्होंने अखां च अथरू आ गए, रमाल दा अथरू साफ भी कीते कि किसानां नाल यह दरिंदगी क्यों हो रही है। चंगी गल आ, होना भी चाहिए वा, किसान एक अजिहा खेता है जी, किसानी जड़ा अजिहा खेतर जी जिथे एक वेखो आपां कई वारी कहा कि एक चूहा जड़ा चूहा ओहदी फसल खानी शुरू करदा, ओहदे ते पलदा वा, उत्ते अपने बच्चे पलदा वा, उदों गा किसान की फसल आउंदी आ, गां तुरी जांदी आ, किसान की जिहड़ी उगाई हुई कणक ओहदी तूड़ी ते डंगर पलदे ने, बंदे पलदे ने, कणक जो अनाज उगाउंदा ते बंदे पलदे, राष्ट्रपति तक सारे ही वो अनाज खांदे ने। ताइयों नूं आंदा तां कहा गया कि जे आंदा दे नूं डांगा ही मारनियां वा, गोलियां ही मारनियां, फिर आंदा तां कदा रह गया, फिर तो दरिंदगी हो गई ना। इहदा दर्द उन्हां दा उछलिया सी जदों उन्हां ने अपनी अखां चों अथरू आ गए थे जी। लंदे नेक्स्ट कॉल आउंदी है 905813 1320। सत श्री अकाल जी, मैं पूछना चाहता जी हुण भी गल कैप्टन साहब ने भी छेड़ी आ ते जेडे ये नशे उदों भी बंद कीते आ, फीम डोडे जां कुछ भी, ते ओ हुण भैन जी है अपने जिवें शीला जी ते होर भी ओ वेख रहे भी आ हुण जेडे इन्ने डेंजरस नशे आ कर रहे आ ते उन्हां नाल तां ये नशे किते चंगे सीगे ते ओ हैगे आ के चले चुले गए किदां, शीला दी जवानी है के बड़ा पेचा। मैं दसदा जी, बीबी शीला दीक्षित दुनिया ते नहीं हैगी जी 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 जी। दूसरी चीज नशे की जी गल कीती सी कैप्टन साहब ने, यह पॉसिबिलिटी है क्योंकि 1970 के दहाके दे विच भी नशे जिहड़े तुहानूं ठेके तो मिलदे सी, ओपनली नहीं, लाइसेंस हुंदा सी अमरीका बकायदा तौर ते जाके अपनी फीम ले सकदा सी, जां फिर जिहड़ा सीएम ऑफिस उत्थे मिलदे सी, महीने दे विच इनी फीम तुहानूं मिलनी आ जी, इह खांदा जी अमरी हुंदा, साडे समाज च हुंदा सीगा, ओहदी भी रिस्पैक्ट हुंदी सी अमरी दी, भी साडे समाज दे विच ओह भी साडे किस्सा हुंदा सी। इस करके कैप्टन साहब कहिंदे ठीक कहिंदे, मैनूं नहीं पता हैगा, जो मैं अज तक अखबारां च पढ़िया, जो किताबां च पढ़िया, मैं ओहदी गल करदा कि नशे जिहड़े बंद कीते सी ना, हो सकदा ये ठीक है तुहाडी गल भी ओपनली फीम जिहड़ी आउंदी सीगी ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਡਰਤੀ ਵੀ ਠੇਕਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਦੀ ਗੱਲ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੜੀ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਲ ਕੇ ਪਿਆ ਦਿਓ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਫੀਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਖਸਖਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਡੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਪੋਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਕੈਤ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਕੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। 905 813 1320 ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ। आओ बठिंडे लै चलिए। बठिंडे दे लोक सभा हलके विच पट्टी साहब कहंदे ने कि तीन बीबियां दे विचकार हो सकता है सन्यासी दंगल। कौन है तीन बीबियां? देखो आम आदमी पार्टी दे कोले आज उम्मीदवार लोक सभा लई नहीं लभ रहे। ओ कोई ना कोई उम्मीदवार जिहड़ा ओ लभ रहे ने भी कितों लभ जावे सानू कोई ना कोई। कई ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਨੀ ਲੀੜਾ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਾਂਗੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੜੀਆ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਈਟ ਚੰਗੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਢਾਤਾ, ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਚੱਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿੰਨ ਬੀਬੀਆਂ 'ਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਹੋਏਗੀ। ਹੌਟ ਸੀਟ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਟ ਸੀਟ ਇਹ ਹੋਏਗੀ। ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3 ਵਾਰੀ ਚੱਲੀਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੋਸੀਬਿਲਟੀ ਹੈ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ 14 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਾ ਕੇ 7 ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਲਓ, 7 ਅਸੀਂ ਲੜ ਲਈਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਮੀ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 6 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। 3 ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ 2 ਸੀਟਾਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਹੋਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਸੀਟ ਲੜੇਗੀ। ਇੱਕ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਨੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਸੀਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ MLA MP ਨੇ ਸਾਡੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਬਣੂ? ਤੇ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਪਰ ਗਾਹ ਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ। ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੀਟ ਉਹ BJP ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲਿਆਓ ਜੀ ਆਪਣਾ ਭਗਵਾ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਪਾਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ BJP। ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣ ਡਿਆ? ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਨਾ, ਲੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ। ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਤੋਂ ਅਮਰਤਾ ਵੜਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਨੈਕਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਬਠਿੰਡੇ। ਵਨੈਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਆ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਨੈਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਮਰਤਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰਤਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮੁੱਕਣਗੇ। ਅਮਰਤਾ ਵੜਿੰਗ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਹਿਜ ਵੀ ਉੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਧੀਰਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਆ, ਸਪੀਚ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਨਾ ਡਿਊ ਟੂ ਅਮਰਤਾ ਵੜਿੰਗ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਹਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਰ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਔਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜੋਕ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਗਰਮੱਛ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕੋ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਤਲਾਬ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜੋ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਜੇ, ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, होया की सी उत्थे, होया की सी, मैं जो डिगा है की सी। तो इहदी मैं धक्का दिता सी। वो कहंदा ठीक है, लोकी कहंदे हर कामयाबी पिछे औरत हत्थ हुंदा। इत्थे बीबी अमृता दे भी जिहड़ा बड़े किते पिछे हत्थ आ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰਤਾ ਵੜੇਗਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਬੀਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਬੀਬੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। ਐਤਕੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਆ, ਐਤ जो टक्कर बड़ी जबरदस्त दे सकती है जो उन्होंने लैके आउणगे। लेकिन हाल की करी आम आदमी पार्टी इधर फिर रही है, तो मैनू उम्मीद है भी आखिर आके गुणा उत्ते पैना वा। तो 3 बीबिया दे विच एक गहगच मुकाबला होएगा, एक दूजे ते दुश्मनी भी टॉप की होएगी, तो लड़ाई भी इत्थे टॉप की होएगी। प्रोग्राम रंगला पंजाब 905 813 1320। अमरीका के साबका राजदूत तरनजीत सिंह संधू का की हशर जनरल हरभूषण सिंह वाला होवेगा? सवाल इत्थे पैदा होंदा है। जनरल हरभूषण सिंह दा नाम लैके हरबख्श सिंह नूं लैके हर अख नमी जी हो जांदी है जी। पट्टी साहब की कहना चाहोगे? जेड़े जनरल हरबख्श सिंह सी ना 1965 दी जंग वाले, इन्हां दा जेड़ी डिब सी, इन्हां दी बटालियन सी, जो भी फौज सी, इन्हां दी ब्यास दरिया के कंढे से बैठी, जिथे बड़ी एक झिड़ी जी हैगी है, बड़े दरख्त है, बैठी उथे बैठे सीगे। ते इन्हां दे ओएसडी हुंदे सी कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो अपनी किताब च भी गल्लां लिखदे ने। ओएसडी हुंदे सीगे ते उन्हां दिनां च पाकिस्तान दे कोले पैटर्न टैंक सी जिहड़े अमेरिका ने दित्ते सी, ते अमेरिका ने कह दित्ता सी गल भी इंडिया दे कोले कोई हथियार इहो जिहा नहीं जिहड़ा इहदे ते असर करे। इंडिया दे कोले कोई गोला नहीं जिहड़ा इत्ते असर करे इस टैंक दे उत्ते। होया की होया ए भी जनरल हरबख्श सुता सीगा, फोन आउंदा, कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं कहंदे गल कराओ। कहंदे जी हुणे सुते ने, बड़ी दूरों आए, घूम घाम के आए ने, कदे नहीं गल कराओ। जो गल कराई जाती है तो इन्हां नूं कहा जाता भी पैटर्न टैंक बहुत मजबूत आ, साडे कोल तोड़ है नहीं, तुसीं चुप करके अपनी फौज वापस लै आओ ब्यास दरिया तों उरले पासे, जलंधर वाले पासे, ते पुल तोड़ दिओ भी ओह अगे ना वध सकण, भी पैटर्न टैंक अगे ना सकण। जनरल हरबख्श सिंह दा नां जिहड़े आर्डर देने इत्थे आके दिओ, मैं नहीं टैलीफोन ते आर्डर महसूस करदे मैं दिंदा। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਭਾਵਕ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਰੂਦ ਬੰਨ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟੈਂਕ ਕੋ, ਜਿੱਥੇ ਫੌਜ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਂਡਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਗਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੋਗੇ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ 1947 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਖੋਇਆ ਵਾ, 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਖੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਖੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੋਣਾ। ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਖੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ 5 6 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਸਲ ਉਤਾੜ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ, ਉੱਥੇ ਗਹਿ ਕੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ, ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਜਾ ਕੇ ਟੈਂਕ ਦੀ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੇਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਫੰਡਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੋੜਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਚਲਤਾ ਹਮੀਦ ਨੂੰ, ਹਮੀਦ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰਨ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਇਹ ਜਨਰਲ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਚਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਚਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਬਚਾਇਆ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। पाकिस्तान वालिया ने जिहड़े साडे घर सी ना, लक्कड़ दे बाले हुंदे सीगे जी, बाले नहीं छड्डे, इट्टां भी चुक के लैके मामे हीर दे, इत्थों तक कि मिट्टी देखदी जद कख नहीं दिंदा उत्थे। चलो दैट्सन जो है, लेकिन वो देखो इन्ना इज्जतमान किया पूरे पंजाब ते देश दे विच। लेकिन जदों उन्हें 1969 च लोक सभा दी चोण लड़ी ते उदों उन्हां नूं हरा दिता गया। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਗਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਸੀ ਸਰਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੂੰਜ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਪੀਤਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਗਮ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ। ਹੈਵ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਡੇ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ। ਯੂ ਆਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ CNN Toronto, Chawla News Network Toronto।